हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भैया टाइम हो चुका है 12:11 और इस टाइम हूँ मैं सेक्टर 100 के पास नोएडा। और भाई रात लगभग 3:30 बजे के करीब मैं एक ड्यूटी लेके गया था हापुड़ प्राइवेट। और जैसे ही उसे ड्रॉप करा भाई, पहली बात तो ड्रॉप ही 2-2.5 घंटे के करीब में हुआ। हालांकि 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन 2.5 घंटे 3 घंटे लग गए थे लगभग, क्योंकि वहाँ पे भाई कोहरा बहुत बुरा वाला पड़ रहा था आज रात। और मतलब 20, 30, 40 तो कभी कभी पहुँचती थी गाड़ी की स्पीड, वो भी किसी के पीछे लगा के। वैसे नहीं, इतना बुरा कोहरा था भाई। तो फिर 5 बजे वहाँ ड्रॉप करा था, लगभग 5, 5:30 बजे के करीब। और फिर मैं घर चला गया। घर जाने के बाद सुबह भाई 9 बजे उठा। 9 बजे उठते ही ड्यूटी ऑन करी उबर में, तो वहाँ से एक बुकिंग मिली हमें JP हॉस्पिटल सेक्टर 128 की। और इसे कस्टमर को अप करा हमने ड्रॉप, और ड्रॉप करके भैया थोड़ी बहुत देर होगी यहाँ पे इंतज़ार करे करे, लेकिन ड्यूटी नहीं मिल रही है कोई अभी। रैपिडो, उबर, ओला सब सुन पड़े इस टाइम, और लाइन तो ऐसे लगी पड़ी है गाड़ियों की जैसे आज संडे हो। संडे तो नहीं, आज ये 686 रुपये मिले भाई 60-61 किलोमीटर चलने के, और 2.25 घंटे में हमने करा ड्रॉप। यार ऊबर बड़ा कम फेयर देता है भाई, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा कम। तो भैया टाइम हो चुका है 1:32 और अभी तक भी कोई ड्यूटी नहीं है, बजी नहीं रही। मतलब पता नहीं आज क्या सीन है क्या नहीं भाई, ग्रेटर नोएडा या नोएडा में आके फंस के दिखे सुबह सुबह। ये है भाई 356 रुपये। ओ सेठ, इतनी बुरी ड्यूटी एक्सेप्ट कर ली भाई 356 रुपये में 38 किलोमीटर टर्मिनल 3। अब एक्सेप्ट कर लिया तो भाई चलो, अब कैंसिल क्या करना, क्योंकि काफ़ी देर में ही है और एयरपोर्ट से हो सकता है हमें कोई लंबी सी राइड मिल जाए, वो भी देखते हैं भाई। कोई नहीं, चलते हैं। एक तो बहुत देर में वैसे भी टन नहीं है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, यू टर्न अलाउ नहीं है तो, क्योंकि रेड लाइट दे नहीं रखी यू टर्न राइट जाने की, लेकिन ले सकते हैं भाई क्योंकि वो वाली रेड लाइट ऑफ थी। ये MCD वालों ने ऐसे ऐसे अनपढ़ जाहिल गवार भर्ती कर रखे हैं। अभी आया कि भाई टैग नहीं बनवा रखे क्या गाड़ी का, तो मैं कल का नंबर क्या डाला है तो दोबारा देखने गया। ओ सॉरी, मतलब इंसान इतने बड़े नंबर लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहे नंबर इन्हें, तो ये देखेंगे क्या फिर क्या पढ़ पाएंगे। ये जा रही बाइक भाई, बताओ पहले ना तो बाइक अलाउ थी ना ऑटो अलाउ थी, शायद ऑटो तो अब भी अलाउ नहीं है, लेकिन बाइक यार बाइक कैसे चल रही है समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली पुलिस कहाँ चली गई, ट्रैफिक पुलिस। अगर यहाँ बाइक भी अलग, देखो ये खड़ी बाइक, चलो ये पर्सनल होगी लेकिन पीछे तो राइडर्स की खड़ी थी भाई। अगर बाइक अलाव होगी तो फिर भाई काम बचेगा क्या, एक एयरपोर्ट ही तो है जहाँ पे कैब बुक होती है, बस कैब ही अलाव है। तो वहाँ से भी अगर ये बाइक स्टार्ट होगी तो बस कहानी खत्म, पैसा हजम। तो भाई टर्मिनल 3 की पार्किंग में जाना तो हमारे ख्याल से बेकार है, क्योंकि इस टाइम मिलेगी फुल, क्योंकि भाई रास्तों में भी खाल गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो अंदर तो पता नहीं क्या हाल होगा, लगाने को भी जगह नहीं होगी गाड़ी। और भाई सियाज वाले यार, सियाज की मतलब जो वेल वो बनी पड़ी है ना यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसे, रेपुटेशन, मतलब कुछ भी बोल रहा यार, मतलब वो सरकारी गाड़ी की बनी पड़ी है दिल्ली के अंदर, कि अगर सियाज जा रही है तो सर किसी सरकारी आदमी की है, वाइट कलर की सियाज, तो बंदे दूर ही चलते हैं भाई। क्या अधिकारी बैठा होगा या कोई मिनिस्टर बैठा होगा, समझ रहे हो ना मेरा भाई, ओमेगा। तो गाइस टर्मिनल 1 पे भैया गाड़ी वाड़ी दिलवाई हमने 70 रुपये में, 60-70 रुपये लेता है, और बढ़िया तरीके से धो दी अंदर बाहर से, क्योंकि गंदी ज़्यादा हो रही थी। और हमारे पास आज कपड़ा भी नहीं था भाई साफ करने का, ये रुमाल से साफ करी थी थोड़ी बहुत। तो चलो भाई
और यहाँ ड्यूटी जो बज रही है ज्यादातर गुड़गांव की बज रही है, रेट है नहीं। तो मैं कह यार क्या करें बताओ, जावा नहीं जावा समझ में नहीं आ रहा। ये देखो मैदान गढ़ी छतरपुर 280 रुपये, यार रेट तो सही है लेकिन दे तो नहीं रहा अच्छी, मतलब अच्छी जगह की बुकिंग नहीं दे रहा। जो गलत जगह की बुकिंग है वहाँ की भाई, जहाँ जाम वाली है एरिया वहाँ की बुकिंग बढ़िया दे रहा पैसे, लेकिन जो नॉर्मल बढ़िया एरिया नोएडा सोएडा की बच जाए तो उसमें रेट नहीं दिखाएगा, बिल्कुल रेट इतना देगा बिल्कुल बेकार वाला। ये देखो 11 किलोमीटर की 110, बंद हो यार। और यहाँ पर भाई अभी कुछ खाया भी नहीं हमने, पहले खाते हैं आगे जाके थोड़ा सा यहाँ से निकल के एयरपोर्ट से। तो गाइस टाइम हो चुका है भैया 11:30 और इस टाइम हूँ मैं पानीपत, और बुकिंग लेके आया था मैं भाई कहाँ से, टर्मिनल 3 से पानीपत की ओला में, और लगभग 9, 9:30 बजे के करीब मैंने ड्रॉप कर दिया था कस्टमर को, और यहाँ पे वेट कर रहा था ओला उबर दोनों ऑन करके। और अब जाके आधे घंटे पहले एक बुकिंग आई थी मेरे पास एयरपोर्ट की ओला में, और उसमें पिकअप टाइम भैया शेड्यूल की थी तो 12:30 बजे का टाइम डाल रखा था भैया ने। तो मैं अब लोकेशन पर पहुंच गया हूँ, और मैंने बोला भैया रास्ते में जो ना फॉग आनी स्टार्ट हो गई तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना, थोड़ा पहले निकलना। तो वो कह रहे ठीक है भैया, बस तैयार व्यार होके आते हैं अपना जैसे भी है, अब देखते हैं भैया चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। और इस राइड में भाई हमें मिल गए थे लगभग, उसमें कस्टमर का बिल आया था 2300 कुछ रुपये और हमें दिए थे 1700 रुपये करीब। तो यहाँ से उम्मीद तो थी नहीं, क्योंकि मुझे जाना था टर्मिनल 3 वापस, क्योंकि कल एक प्राइवेट बुकिंग, क्या मतलब एक फैमिली मेम्बर ही है, उन्हें पिकअप करना भाई और छोड़ना मुजफ्फरनगर, तो खाली जाना पड़ा था इसलिए। अच्छा भाई मिल गई, चलो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है, वरना यहाँ से 100 कुछ किलोमीटर खाली जाना पड़ता। तो देखते हैं कितना बिल मिलता है, बनता है और कितना हमें मिलता है इस राइड में, जो भी होता है बताते हैं आपको। कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप, और भैया हमारा कस्टमर का बिल आया था 2157 रुपये, और इसमें हमने टोल अलग से ले ली क्योंकि टोल इसमें इंक्लूड है नहीं, और हमें दिए काट पीट के भाई 1470 रुपये 119-120 किलोमीटर चलने के, और प्लस 150 रुपये दिए भाई दैनिक भत्ता और 250 रुपये रात्रि अलाउंस नाइट अलाउंस। तो टोटल हमारी इसमें अर्निंग हुई भाई कितनी, 1871 रुपये की अर्निंग हुई भाई इसमें। अब चलते हैं भाई, ड्यूटी कर ली हमने ऑफ और टाइम हो गया 1:51 और अब निकलते हैं हम कहाँ की तरफ, टर्मिनल 3 की पार्किंग में, क्योंकि 4 बजे का भाई पिकअप है हमारा, 4 बजे बंदा आ जाएगा उसे ड्रॉप करना मुजफ्फरनगर। तो भाई 2 घंटे अपना नींद निकालेंगे आराम से, क्योंकि भाई आंखें जो ना लपलपा रही हैं, लपलपा तो नहीं, खैर जलन सी हो रही है भाई पॉल्यूशन की वजह से। ये टर्मिनल 3 का रास्ता यार बड़ा लंबा पड़ता है, यूटर्न मार के, वरना पहले यूटर्न खुला हुआ था, तुरंत जाओ यहाँ से यूटर्न मारो और पार्किंग में घुस जाओ। तो ट्रैफिक यहाँ ज़्यादा हो जाता था, गाड़ियाँ ज़्यादा जमा हो जाती थी पार्किंग में, तो इन्होंने लंबा कर दिया कि लोग बाग आलकस की वजह से वापस ना आ पाए, आधे तो सीधे चले जाते हैं कि यार इतनी दूर वापस जाएंगे पार्किंग में, इससे अच्छा तो सीधा माहिपालपुर चले जाओ। तो कोई नहीं भाई, आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड, और जो भी अर्निंग है भाई आपके सामने 1800 कुछ रुपये की ये हुई है, और कल रात मतलब इसी टाइम 2-3 बजे के करीब एक बुकिंग हम लेके गए थे हापुड़, हापुड़ से फिर ऊबर में लेकर आए सुबह को, ऊबर में लेकर आने के बाद एक बुकिंग और ऊबर में हमारी यहाँ की लोकल, और फिर वापस हम चले गए पानीपत, पानीपत सब वापस आ गए, बस यही काम है। और कैसे लगी आपको ये अर्निंग और ये वीडियो,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई एक बार और बताते चले जाओ यार, ये पंजाब वाले हर एक गाड़ी में एलॉय व्हील डलवा के रखते हैं, नई हो पुरानी हो, चाहे कितनी भी पुरानी हो चाहे कितनी भी नई हो, लेकिन एलॉय व्हील चेंज भाई मिलेंगे मिलेंगे, टायर चेंज और रिम चेंज मिलेंगे मिलेंगे नई गाड़ी में भी। पता नहीं भाई फैक्ट्री है क्या है वहाँ पे, कोई जुगाड़ अच्छा सा है, मंदे मिल जाए भाई और बढ़िया वाले जेन्युइन से मिल जाए तो भाई हमें बताओ, हमारा भी एक सपना है अपनी गाड़ी में एलॉय डलवाने का।